आपका जोश बहुत प्रेरक है, लेकिन मैं यहां होश की बात करने के लिए आया हूं। जोश तो आवश्यक है, बिना जोश के कोई काम नहीं होता। इसीलिए तरुणों को कहा जाता है कि तरुण सारे काम करते हैं, क्योंकि तरुणाई जोश का दूसरा नाम है, जोश तरुणाई का दूसरा नाम है। परंतु जोश को दिशा चाहिए, और जोश क्षणिक होता है, चाहे जब उसको बुलाकर उससे काम करवा लेने का काम होश करता है। और इसलिए आज अपने स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में 14 अगस्त को हम लोग यहां बैठे हैं, और हमने ये नाम दिया है कि 2047 की हमारी विजन क्या है और हमारी एक्शन क्या हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस विजन और एक्शन के लिए ताकत और उत्साह चाहिए, जोश और हिम्मत चाहिए, परंतु उसके साथ साथ उसकी एक दिशा चाहिए, और उस दिशा को समझने के लिए होश के साथ विचार करना पड़ता है। हमको 2047 में भारत को बड़ा करना है। अब अपने आप को बड़ा करना है तो भी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। यहां तो पूरा देश खड़ा करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? हमारे सामने वो सारा इतिहास एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो जो कहानी है देश को बड़ा करने की, वो हमेशा खून से, पसीने से, आंसुओं से लिखी जाती है।